الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة صدق الله العلي العظيم صلوات جناب سیدہ سلام علیہا کی شہادت کی مجالس کا برپا ہے. چند مناسبتیں جو آج کی ہیں ان کے عنوان سے چند مطالب پیش کروں گا, اور جو موضوع میں نے لیا ہے کہ اہل بیت اور جناب سیدہ ہمارے لیے مثالی کردار رکھتی ہیں. یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے مثالی زندگی ہے, وہ یہ اہل بیت ہے کہ جیسا اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق ہو وہ یہ ہے دنیا میں, بلکہ جو کچھ ہے وہ ان کے صدقے میں. اللہ نے اگر ہمیں بھی بنایا ہے ان کی وجہ سے بنایا ہے. تو میں نے آج چونکہ 25 دسمبر ہے, چند جلدی سے مطالب سن لیجئے گا. اس سے پہلے کہ کرسمس سے متعلق دو چار جملے پیش کروں, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی ولادت 25 دسمبر کو ہے, اور یہ بہت بڑا اللہ نے اس مملکت پہ کرم کیا ہے کہ ایک اہل بیت کا ماننے والا اس ملک کا بانی ہے. اچھا, نام کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے, اللہ نے ناموں میں اثر رکھا ہے, اور کسی کے نام میں محمد بھی ہو علی بھی ہو, پیدائشی طور پہ
क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस्माइली थे, शिश इमामी थे, छः इमामों के मानने वाले थे। लेकिन जब 1913 के आसपास उन्होंने मज़हब जाफरी को कबूल किया और शिया इसनाशरी हो गए, 12 इमामों के मानने वाले शिया बने। जिस ज़माने में मास कन्वर्जन हुआ है, जब ज़्यादातर हमारे जो आज खोजा बरादरान हैं, ये उस ज़माने में ज़्यादातर, उससे पहले भी शिया थे लेकिन उस ज़माने में कसीर तादाद में लोग शिया इसनाशरी हुए, 12 इमामों के मानने वाले शिया बने। उसी ज़माने में 1913 के आसपास कायद आज़म ने भी लाइफ मेंबरशिप ली शिया इमाम बारगाह की बम्बई में और फिर कराची में, और ऐलान किया कि मैं आज से शिया इसना अशरी हूँ, 12 इमामों का मानने वाला। और बहरहाल नशर पाक में पढ़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तमाम तर इदारे मुझे सुन रहे हैं, ख़ासतौर से कहने लगा कि एक ज़माने में इस पर बात नहीं हो सकती थी और इसका ज़्यादा तस्करा नहीं हो सकता था, लेकिन अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी ऐलान कर दिया गया है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शिया थे। चलिएगा मेरे साथ। तो अब पाकिस्तान में दो अफराद का किरदार बड़ा अहम है, एक बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। कहा जाता है उन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर नज़रिया पेश किया था और पाकिस्तान को बनाया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने था। ये इत्तेफाक की बात है कि दोनों पैदाइशी तौर पे शिया नहीं थे लेकिन बाद में हो गए थे। परेशान हो के सुनोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो दोनों पैदाइशी शिया नहीं थे लेकिन दोनों शिया हो गए थे। और मैं लाहौर में एक मरतबा मजलिस पढ़ रहा था, अल्लामा हायरी, सैयद अली हायरी का ख़ानदान, उनके पोते मौजूद थे मजलिस में, वो बहुत बुजुर्ग थे, ज़मीन पे नहीं बैठ सकते थे, तो कहने लगे मैं मजलिस के बाद कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे, आपने नज़्म पेश की है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, का मेरे अजदाद के पास, क्योंकि सैयद अली हायरी की ही तकरीरों से मजालिस सुनने के बाद, उससे पहले कि आप शायरी देख लीजिए जहाँ पर उन्होंने उलमा के खिलाफ भी लिखा है, दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फसाद, तो मुल्ला के खिलाफ लिखा है, उलमा के खिलाफ नहीं लिखा, अगर पहुंच रहे हो तो। अल्लामा इकबाल ने बहरहाल मुल्लाओं के खिलाफ बहुत कुछ लिखा लेकिन उसके बाद फिर मजहबी शायरी भी की और अहले बैत की शान में बहुत कुछ लिखा, और फिर जब बहुत से लोग कहने लगे ये लगता कि उस तरफ चले जाएंगे, तो उन्होंने उसमें जब पूछा तभी आप शिया हो तो नहीं गए हैं, तो उन्होंने कहा है उसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा, तफजील अली हमने सुनी उसकी जबानी, अली की अफजलियत के कायल थे और फिर तशय्यो। तो बहरहाल उन्होंने कहा हमारे अजदाद के पास वसीयत मौजूद है, अल्लामा सैयद अली हायरी के पास अल्लामा इकबाल आए, और आने के बाद उनके पोते ने कहा कि उन्होंने वसीयत की कि मैं जो कुछ भी था वसीयत करके जा रहा हूँ, अगर इंतकाल हो जाए तो जनाजे के आप जिम्मेदार हैं, गुस्ल कफन के आप जिम्मेदार हैं, मैं अहले बैत का मानने वाला हूँ, 12 तक सबको मानता हूँ। तो आज नेशनल पार्क में ऐलान हो चुका है, अब उसके बाद मुझे नहीं मालूम मैं आ सकूँगा नहीं आ सकूँगा। तो बहरहाल पाकिस्तान का नज़रिया पेश करने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल, बनाने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तवज्जो, दोनों पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात, दोनों शिया थे, तो कम अज़ कम इस पाकिस्तान में शियों का खून बहाने पे पाबंदी होनी चाहिए। अज़ीज़ाने गिरामी की सारी की सारी कौम व मिल्लत ममनून एहसान है, हम सब लोग जितने पाकिस्तानी हैं, चाहे पाकिस्तान में रहते हों या बाहर रहते हों, हमारी पहचान यही पाकिस्तान है, और पाकिस्तान बनाने वाले अहले बैत के मानने वाले थे। अल्लाह सुबहान व तआला ने ये हम पे बहुत बड़ा करम व एहसान किया कि अहले बैत के मानने वालों ने इस मुल्क को बनाया। तवज्जो है ना मेरे साथ, सारा मजमा है मेरे साथ अभी तक। मैं बानियान से अपने जो खादमाने अब्दुल्ला हैं के भाई दरिया आखिर तक ले जाइएगा, बहुत से लोग खड़े हैं, सर्दियों के अंदर मुश्किल खड़े हो जाता है, यानी पहला दिन है, वो कह रहे हैं उस हिसाब से हमने इंतजाम किया। इंशाल्लाह मेरी दरख्वास्त ये होगी कि बहरहाल दरिया अगर आखिर तक चली जाए, ताकि जो बहुत से मेरे बरादरान खाहरान खड़े होकर मजलिस सुनने उनके लिए निस्बतन आसान हो जाएगा, बच्चों के साथ हैं। पहला मुझे पेश करना था बानी पाकिस्तान से मुतालिक, और क्रिसमस भी है, मेरे बहुत से ईसाई बरादरान आके मिलते भी हैं कि हम ईसाई हैं लेकिन फिर भी मजलिसों में आते हैं, ईसाई हैं, तवज्जो, ईसाई हैं लेकिन फिर भी मानते हैं अहले बैत को। अगर कोई भी तासुब की ऐनक उतार दे तो किसी भी मजहब, किसी भी फिरते, किसी भी दीन का मानने वाला हो, अहले बैत को जरूर मानेगा, नहीं पहुंच जा सका, सारा मजमा नहीं है मेरे साथ। बहुत बड़े एक राइटर हैं जॉर्ज जोर्डैक के नाम से, जुमला पेश कर रहा हूं, जॉर्ज जोर्डैक ईसाई हैं, लुबनान के थे, गुज़श्ता चंद पहले उनका इंतकाल हो गया और तकरीबन 100 बरस के थे, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी और बड़े बड़े ममालिक ने, पेट्रो डॉलर वालों ने तेल की दौलत से कहा भाई तुम्हें अगर शियों ने पैसा दिया है ना किताबें लिखने पे, अली के मुतालिक जो किताब लिखते हो अली पे लिखते हो, तो
तो उससे ज्यादा पैसा हम देंगे, औरों पे भी लिखो। ईसाई था, उसने कहा कि मेरा कलम बिकाऊ नहीं है। जो हो चलिएगा, इसी मोहब्बत के साथ चलते रहिएगा। मेरा कलम बिकाऊ नहीं है, मैं सिर्फ अली पे लिखूंगा। क्या इतनी किताबें लिखनी और कितना लिखोगे? असौतुल अदालतुल इंसानिया, द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, कितनी किताबें लिखी सारी जनाब अमीर पे, हर किताब। और अपनी किताब के शुरू में एक जुमला लिखा कि मैं ईसाई हूं, अगर अली को ईसा से अफजल कहूं तो मेरा दीन इजाजत नहीं देता। तवज्जो, ईसाई होते हुए जोर जुर्दा कहता अपनी किताब के इब्तिदा में एक जुमला लिखता, निदाए अदालत इंसानी, अली इब्ने अबी तालिब है, इंसानी अदालत की आवाज का नाम है अली। ईसाई कहता इंसानी अदालत की आवाज का नाम अली है, द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। वो कहते हैं अगर मैं अली को कहूं ना ईसा से अफजल है तो मेरा दीन इजाजत नहीं देता क्योंकि मैं ईसाई हूं, और अगर ईसा को अली से अफजल मानूं तो अकल इजाजत नहीं देती। तवज्जो है जाने के नाम, तो क्या मुझे अकल इजाजत नहीं देती कि मैं लिखूं कि ईसा अली से अफजल थे? अज़ीज़ाने किरामी, अब ये आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे जो मसीही बिरादरी है, दुनिया में 7.5 अरब से ज्यादा आबादी है और 2 अरब से ज्यादा ईसाई हैं, और तकरीबन 1.8 अरब से ज्यादा मुसलमान है दुनिया में। 55 से 60% दुनिया की आबादी या ईसाई है या मुसलमान। वो जो अफराद कहते हैं ना कि आज दुनिया में खुदा को ना मानने वाले ज्यादा हैं, अगर आप मानने वालों को देखें तो वो बहुत ज्यादा हैं। चलते रहिएगा, तो मैं पूरा दीन का तसव्वुर पेश कर रहा हूँ। कोरोना वायरस के बाद के हालात होंगे कल या परसों के मजलिस में मैं पेश करना चाहूँगा, अगर सुनना चाहेंगे। थोड़ा सा इज्तिमाही हालात का मैं एक टच देना चाहता हूँ, तैयारी की है, कुछ रिसर्च की है जो मैं पेश करूँगा कल या परसों की तकरीर में, जैसे मैं देखूँगा कि मुनासिब है पेश करूँगा, तफसीली पेश करना चाह रहा हूँ। तो अज़ीज़ाने किरामी, अब वो ईसाई 25 दिसंबर को हज़रत ईसा से मुतालिक कहते हैं कि विलादत है। छठे इमाम से पूछा कब विलादत है, तो आपने फरमाया 25 ज़िलक़ादा, यौम दहवुल अर्द वल अर्द बादा दालिका दहा, कुरान की आयत है। फिर उसके बाद अल्लाह ने ज़मीन को बिछाया, क्या ज़मीन को बिछाया 25 ज़िलक़ाद थी, ज़मीन को जब बिछाया तो 25 ज़िलक़ाद थी, वही विलादत जनाब इब्राहिम और जनाब ईसा की, 25 ज़िलक़ादा, ये है विलादत जनाब इब्राहिम और जनाब ईसा की। लेकिन हमारे जो मसीह बरादरी है वो क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं बरता, यानी उसमें कहते हैं 25 दिसंबर। जुमले सुनिएगा, थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा मेरे साथ। तो अब जनाब ईसा से मुतालिक मुसलमानों का अकीदा 25 ज़िलक़ाद है, जनाब इब्राहिम और जनाब ईसा की विलादत, और जनाब मरियम का ख़ास एक अहम मकाम है मुसलमानों के यहाँ भी ईसाइयों के यहाँ भी। इससे पहले कि जनाब सैयदा को कुछ तकाबुल पेश करूँ, जनाब मरियम के 2 जुमले सुन लीजिएगा, सारा मजमा रहेगा मेरे साथ। तो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, कुरान ने बहुत उनकी तारीफ़ की है, और दुनिया के अंदर इस दुनिया के अंदर जो पहली मासूमा बीबी आई हैं वो जनाब मरियम हैं। इस दुनिया में जो सबसे पहली मासूमा बीबी को अल्लाह ने खल किया वो है फातिमा। चलिएगा, बहुत से लोग पहुंच रहे हैं, वो इस ये दुनिया बाद में बनी है, तब उस कारी कायनात में जो पहली मखलूक अव्वल हैं रसूल इस्लाम हैं। चल मैं हदीस मुकम्मल कर दूं कि अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, शिया सुन्नी किताबों में हदीस मौजूद है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मुझ मोहम्मद के नूर को बनाया। हदीस बहुत तफसीली है, मुझे इस तरफ इशारा करके आगे बढ़ना है। तो अब सरवर कायनात ने फरमाया क्या अल्लाह कुछ भी नहीं था, बस वो था, न सूरज था, न चांद, न सितारे, न जमीन, न चरिंद, न परिंद, न समंदर, न जंगलात, कुछ भी नहीं था, बस अल्लाह था। उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, उसने कुछ ऐसी मखलूकात बनाई जो उसे पहचाने। तो सबसे पहले अल्लाह ने एक नूर बनाया, तवज्जो। तो अब यहां पे सरवर कायनात फरमाते हैं कि अना व अलियुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। तो अल्लाह ने एक नूर के 2 टुकड़े किए, एक को मकाम महमूद पे रखा, नाम मोहम्मद रखा, दूसरे नूर को मकाम आला पे रखा, नाम अली रखा। पहले नूर से एक नूर खल किया, नाम फातिमा रखा, तवज्जो। दूसरे और तीसरे नूर से 2 नूर और बनाए, एक का नाम हसन रखा,
दूसरे का नाम हुसैन रखा। तवज्जो तवज्जो, चलते रहिएगा। क्या फिर उन बाद वाले अनवार से नौ नूर और बनाए, वो नौ इमाम। उसके बाद फिर फरमाते हैं, छठे इमाम फरमाते हैं का अल्लाह ने पहले नूर से, रसूल खुदा के नूर से अर्श को बनाया। रसूल खुदा का नूर अर्श से अफजल है क्योंकि उनके नूर से अर्श को बनाया। अली के नूर से कुर्सी को बनाया। वसिया कुर्सी समावात वल अर्द, तवज्जो हो, वक्त नहीं तफसील का। अली के नूर से कुर्सी को बनाया, अली का नूर कुर्सी से अफजल। फिर फातिमा के नूर से जमीन और आसमान को बनाया, फातिमा का नूर आसमानों से अफजल। हसन के नूर से जन्नत को बनाया, जन्नत की हूरों को बनाया, जन्नत की मखलूकात को बनाया। तवज्जो, कबीर हुसैन के नूर से उनके मानने वालों को, चलते रहिएगा जरा। तवज्जो रह गया जाने के नाम है। तो कायनात में जो हस्तियां सबसे पहले बनाई गई हैं उनके सदके में सब कुछ बनाया गया है, ये कायनात उनके सदके में खल्क हुई है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अगर इंसान को ये एहसास हो जाए मैं किसकी वजह से हूँ, बनाने वाला अल्लाह लेकिन किसके सदके में बनाया है, उसे एहसास हो जाए तो इंसान उन्हीं के गुण गाएगा। हम इसीलिए उन्हीं के तज़किरे को हमेशा जारी रखते हैं। तो मैं पेश कर रहा हूँ ये सारी कायनात, और ज़ियारत जामिया कबीरा उठा के देख लीजिए। आज इसके चंद जुमले में दोहरा रहा था, बिकुम यंज़लुल गैस, और मौलाना मौजूद है, उनके मौजूदगी में चंद जुमले पेश कर रहा हूँ कि इमाम फरमाते हैं, नवें दसवें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपकी वजह से अहले बैत से मुखातब होके कहते हैं, अपने अजदाद से मुखातब होके कहते हैं, आपकी वजह से अल्लाह बारिश बरसाता है। ये अल्लाह जो रहमतें नाजिल करता है आपकी वजह से, दुआएं कबूल होती हैं आपकी वजह से, ये दरख्तों पे फल लगते हैं आपकी वजह से, आप ना हो तो अल्लाह कुछ अता ना करे, रहमतों के दरवाजे खुले ही आपके सदके में हैं। ये सारी कायनात में अल्लाह की रहमतें हैं चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदके में। तो मुझे जनाब मरियम से मुतालिक मैंने कहा था, अगर याद हो तो जाने की राम, याद इक्तकाबुल से पहले कि जनाब ईसा के इशारे, मेरी मसीही बरादरी पूरी दुनिया में सुन रही है, उर्दू बोलने वाले बहुत से ईसाई हमारे बरादरान मौजूद हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में दुनिया भर में, तो सुन लीजिए कि हमारा जनाब मरियम से मुतालिक क्या अकीदा है। हमसे सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा जनाब मरियम कौन है, हमसे पूछिए जनाब मरियम कौन है। कुरान ने बताया है, रसूल खुदा ने बताया है, अहले बैत ने बताया है। तो अब यहाँ पे आइम्मा से पूछा गया, कुरान की आयत है, इन्नल्लाह सफा के व तहरा के व सफा के अला निसाइल आलमीन, अल्लाह ने आपको चुन लिया, पाक रखा और आपको दोबारा कहा चुन लिया, तो फिर दो दफ़ा कैसे चुना। अब इमाम का जवाब सुनिएगा, ये इमाम ही समझा सकते थे, बाकी लोगों ने तो ये लिखा है कि अल्लाह ने लफ्ज़ दोहराया है ताकीद के लिए, इन्नल्लाह सफा के, अल्लाह ने चुन लिया, पाक रखा, चुन लिया। तो मैं आइम्मा की हदीस देख रहा था कि अभी ये दो दफ़ा चुनना क्यों आया है। खुदा की कसम कुरान पढ़ते हुए सवाल तो था, जवाब कहीं नहीं मिला सिवाय आले मोहम्मद के। तो बाकिर उल उलूम इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने फरमाया कि ए मरियम, इन्नल्लाह सफा के, मरियम अल्लाह ने आपको चुन लिया। कहा जनाब मरियम की वालदा ने अल्लाह से कहा, इन्नी नज़र तो परवरदिगारा, मैं मन्नत मानती हूँ, नज़र करती हूँ, ये जो मेरे बतन में है ना, मैं तेरी राह में दे दूँगी, इसे बेटा करार दे दे। बहुत सी माएँ मन्नत मानती हैं ना, बेटा नहीं होता तो बेटी की, बेटियाँ हों बेटा ना हो तो फिर बेटे की, परवरदिगारा इसको आलिम बना दूँगी,
कोई खादिम दीन बना दूंगी, कोई नौहखान बना दूंगी, ऐसे ही होता या नहीं होता? नहीं होता तो होना चाहिए कि तेरी राह के अंदर इसको दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे जनाब मरियम की वालदा ने, हज़रत एलिजबेथ ने एक मन्नत मानी, हज़रत इमरान की सौजा नबी की सौजा थी, परवरदिगारा हमारे यहाँ औलाद नहीं, अगर तू मुझे ये बेटा दे दे, ये मेरा बेटा हो, तो तेरी राह में हज़रत ज़करिया नबी हैं तेरे, मैं उन्हें अपना बेटा दे दूंगी, तेरे दीन की खिदमत करेंगे। जैसे ही विलादत हुई तो कहा इन्हा उनसा, परवरदिगारा ये तो बेटी है, लैसा ज़करो कल उनसा, बेटा बेटियों जैसा नहीं होता। बहुत से अफराद ये आयत पेश करके कहते हैं कि इसका मतलब है बेटा अफजल है, नहीं, तवज्जो सारे मजमे की, खास तौर से मेरे भाइयों की, लैसा ज़करो कल उनसा, उलमा की अहले इल्म की मौजूदगी में जिम्मेदारी से पेश करो, लैसा ज़करो कल उनसा, खून जिगर दे रहा हूं, पूरा जोर लगा के पेश कर रहा हूं, लैसा ज़करो कल उनसा, कभी बेटा बेटियों जैसा नहीं होता। आयत कुरान नहीं पहुंचा मजमा, जनाबे मरियम की मां ने ये नहीं कहा बेटी बेटों जैसी नहीं होती। पहुंच गया, लैसा ज़करो कल उनसा, ये नहीं कहा बेटी बेटियों जैसी नहीं होती, बेटे बेटियों जैसे नहीं होते। परवरदिगारा ये पाको पाकीज़ा बेटी, लेकिन हौजे में बैतुल मुकद्दस में सिर्फ मर्द रहते हैं, मैं बेटी वहां कैसे भेज दूं? अल्लाह ने कहा दे दो, ये बेटी भी खास है, जमीन पे पहली मासूमा है, ईसा इसी के बदन से आएगा। मन्नत मानी थी जनाबे मरियम की मां ने, पूरी हुई ईसा से। अल्लाह ने ममनून में आपकी मोहब्बत होंगी, मन्नत मानी जनाबे मरियम की वालिदा ने, पूरी हुई जनाबे ईसा से। कई मरतबा जनाब, अब एक और जुमला पेश कर दूं, यहाँ बहुत से अफराद अगर अभी तक नहीं है, आखिरी आदमी तक मैं खून जिगर दे रहा हूँ, यकीन मानी आराम आराम से पढ़ना चाह रहा था, ये आपने मुझसे इतना जोर लगवा दिया। जनाब इब्राहिम और इस्माइल ने, बुजुर्गों की दुआएं चाहिए मुझे इस जुमले पे, जनाब इब्राहिम और इस्माइल ने अल्लाह के कहने पर काबे की तामीर की, जो सबसे पहले जनाब आदम ने बनाया था, का तजदीद करो, वो घर नहीं रहा, बनाओ। कुछ लोग पहुंच गए, जब तामीर की ना जनाब इब्राहिम और इस्माइल ने, काबे की दीवारें खड़ी की, सूरह बकरा उठा के देखिए, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम, वइज़ यरफ़ऊ इब्राहिमुल बैता मिनल कवा, भाई कुरान की आयात है कि जनाब इब्राहिम और इस्माइल ने खाना काबा की दीवारें चुन दी, वइज़ यरफ़ऊ इब्राहिमुल कवायदा मिनल बैत, बैतुल्लाह की दीवारों को चुना इब्राहिम और इस्माइल ने, जब दीवारें बना दी तो कहा हमसे कबूल फरमा जनाब इब्राहिम ने, जनाब इस्माइल कह रहे आमीन, अल्लाह ने कहा था घर बना दो, अब जानते हैं उसने अपना घर बनवाया कुछ देगा। जनाब इब्राहिम ने कहा भाई मांग लो जो मांगना है, आज वो दे रहा है, वादा उसका है। तो कहा परवरदिगारा एक नबी भेज मेरी नस्ल में जिसपे मैं फख्र करूं, 4000 साल पहले दुआ मांगी, अल्लाह ने कहा मोहम्मद तेरी नस्ल में। तवज्जो फरमाए जाने, तवज्जो रहेगी जाने गिरा। तो कई मरतबा अल्लाह नस्लों को नवाजता है, मैंने लफ्ज इस्तेफा लिया है, इसी को पेश करना चाह रहा हूँ आज,
ताकि जनाब सैयद तक गुफ्तगू ला सकूँ और ये खमसा मुकम्मल हो सके, जारी रखना चाह रहा हूँ। तो इन्नल्लाह सफ़ा के वतहारा के, अल्लाह ने चुना। तो अब यहाँ पांचवें इमाम से पूछा, मौला कैसे चुना? कहा पहले तो माँ ने दुआ मांगी थी। मैं जो मेरे बतन में है तेरी राह में दे दूंगी। अब कई लोग कहते हैं लेकिन सबकी बात कबूल नहीं होती। यहाँ अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह, यानी ये जनाब मरियम से बता लीजिए इन्नल्लाह सफा के वतहारा के, ये जुमला जो अल्लाह ने पेश किया, व तकब्बलहा रब्बुहा बिकबूल हसन, अल्लाह कह रहा है कि और अल्लाह ने मरियम जनाब मरियम की वालदा ने जब मन्नत मानी तो अल्लाह ने कबूल कर लिया, और बेहतरीन कबूल करना अल्लाह ने कबूल किया। तकब्बलहा बेकबूल, अल्लाह ने कबूल कर लिया किस चीज़ पर? आपने नजर की है मरियम को राह खुदा में देने की, मैंने कबूल कर लिया। अब जनाब ज़करिया से कहा जनाब मरियम की वालदा ने, जो उनके बहनोई भी थे, कि आप नबी हैं, उनके यहाँ भी औलाद नहीं थी जनाब ज़करिया के यहाँ। कुरान ने दो अंबिया की दुआएं पेश की हैं जिन्होंने औलाद की दुआ मांगी, एक जनाब इब्राहिम की, दूसरे जनाब ज़करिया की। रब्बे ला तज़िरनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसिन, कब जनाब ज़करिया ने दुआ मांगी? जनाब भाई अगर तवज्जो रखिएगा, मैं खून जिगर दे रहा हूँ। जनाब मरियम की वालदा ने कहा मैंने मन्नत मानी थी, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, किस पे? जनाब मरियम की वालदा पे। ना वो नबी थी, ना रसूल थी, नहीं ये मजमा, ना इमाम थी, ना मासूमा थी, मन्नत मानी थी कि तेरी राह में दूंगी। अल्लाह ने उनकी नस्ल में एक मासूम नबी भेजना था, एक मासूम बीबी भेजनी थी। तवज्जो आखिरी आदमी तक, जनाबे मरियम की वालदा पे वही आई, अल्लाह ने कबूल कर लिया ज़करिया को, बेटी दे दो जो एक मासूमा और एक मासूम की माँ और नानी हो, उन्हें वही आए। मुसलमानों को एतराज नहीं, और अगर कोई 12 इमामों का, बारह इमामों का जद हो चल रहा है ना हजरत, तो जाने की रामी यहाँ वही आई, तो अल्लाह ने कहा कि बस ये आप मरियम को दे दीजिए। जनाब मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ, ज़करिया के सामने पेश कर दीजिए छोटी सी जनाब मरियम। कहाँ ए जनाब ज़करिया, मैंने अपनी बेटी आपके बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दी है। अल्लाह ने जनाब ज़करिया पे वही नाजिल की, कबूल कर लो, हमने कबूल कर लिया। अब नबी नहीं कह सकते सिर्फ मर्द रहते हैं, ये मुकद्दस जगह है। तवज्जो, मिंबर के एहतराम में खुल के नहीं पढ़ सकता, मुकद्दस जगह है, अल्लाह का घर है। मस्जिदों में खवातीन नहीं आ सकती खास अय्याम में, पाक होना शर्त है। जनाबे ज़करिया जानते अल्लाह ने कोई बंदोबस्त किया होगा, इमाम से पूछा क्या बंदोबस्त था, कि अल्लाह ने मरियम को बतूल बना के भेजा। अल्लाह ने जो है ना, तवज्जो है जाने की रामी। अल्लाह ने जनाबे मरियम को बतूल बना के भेजा। जो लोग अभी तक ना पहुंचे हों, तो बतूल उस बीबी को कहा जाता है जिसका विलादत से लेके इंतकाल तक एक लहजा भी इबादत से खाली ना हो। तवज्जो, ये है पहली बतूल। तवज्जो, ये है पहली बतूल। पैगंबर ने फरमाया मेरी बेटी सिर्फ बतूल नहीं, बतूले अजरा है, फखरे मरियम है। दलील क्या है? ओ मुसलमानों, सब अपनी किताबें उठा के देख लेना, पैगंबर की हदीस अगर समझ में ना ना आए तो पैगंबर ने मस्जिद नबवी के तामीर के बाद सारे सहाबा से कहा दरवाजे मस्जिद में खोलो, फजर पे आओगे ना बाहर से तो कोई कत्ल कर देगा।
मुशरिकीन मक्के से आके मार देंगे, दरवाजे मस्जिद में खोलो, एक दिन का तुम्हारी जाने महफूज हैं, दरवाजे बंद करो, सारे दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि इन हालतों में मस्जिद में नहीं आ सकते, मस्जिद में आने के लिए पाक होना शर्त है। सारे दरवाजे बंद सिवाय अली के घर के। एक बड़े बुजुर्ग सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, अली जवान है मैं बूढ़ा, आपने इनका दरवाजा खुला रखा, मेरा दरवाजा बंद करवा दिया, इजाजत है खिड़की खुली रखो? कहा नहीं इजाजत, ये मेरी तरफ से नहीं अल्लाह की तरफ से है। या रसूल अल्लाह सारे दरवाजे बंद, पैगंबर के घर का भी दरवाजा बंद, क्यों? क्या रसूल खुदा से कोई अफजल है? नहीं, लेकिन अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं, आप तो मासूम हैं, अजवाज नहीं। अली का घर वाहिद घर है जो खुला रहेगा, अली खुद भी मासूम, जौजा बतूल, हसन है। तवज्जो फरमा रहे, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, तवज्जो फरमा रहे। अज़ीज़ाने गिरामी, ये घर है बतूल का, ये फखरे मरियम है। तो वहां जनाबे मरियम से मुतालिक पेश कर रहा था, बात मुकम्मल कर दूं, वक्त तो नहीं रहा, चलेंगे ना थोड़ी देर। तो यहां जनाबे ज़करिया ले गए, वहां बहस शुरू हो गई, यहूदी जो उलमा थे, कहा ज़करिया अब तक कभी खातून बैतुल मुकद्दस में नहीं आई, जो नजर करने आए मन्नत मानने भी आए वो सड़क पे खड़ी होती है, हम अंदर नहीं आने देते, आप बच्ची को ले आए, कल यही बच्ची जवान हो जाएगी, यहां नहीं रह सकती। कहा मैं नहीं लाया, तवज्जो, जनाब ज़करिया ने फरमाया मैं नहीं लाया, अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो ये एतराज करना अल्लाह वालों पे कोई नई बात नहीं है, जलने वाले शुरू से। एतराजात करते रहते थे कि मैं मरियम नहीं आ सकती, जनाबे ज़करिया ने फरमाया कहा नहीं आएंगी, अल्लाह का हुक्म है, ले आए, तवज्जो। और एक हुजरा वक्स कर दिया, कहा ये बैतुल मुकद्दस के साथ साथ हुजरे जमीन पे तुम्हारे एक बाला खाने पे मैंने हुजरा बनाया, ये सिर्फ मरियम का, तवज्जो, चलेंगे ना, हिम्मत में मेरे साथ, क्या ये जो बाला खाने पे मैंने हुजरा बनाया है ये मरियम का, खबरदार कोई उस हुजरे में ना जाए, ये पाक बीबी है, तुम में से कोई मस भी नहीं कर सकता, ये नाबालिग बच्ची है, क्यों नहीं? सारे के सारे बूढ़े बूढ़े यहूदी आलिम खड़े हो गए, मैं कफालत करूंगा अगर अल्लाह ने भेजा, नहीं है मजमा? सारे बूढ़े बूढ़े यहूदी रिब्बी कहा जाता है, रैबाइज, उनके मुल्ला, यहूदियों के सारे मुल्ला खड़े हो गए, अगर अल्लाह ने भेजा है ज़करिया तो कफालत मैं करूंगा, दूसरे ने कहा मैं कफालत करूंगा, तीसरे ने कहा मैं कफालत करूंगा, सारे कफाल अभी तक तो आने नहीं दे रहे थे, जब आ गई अल्लाह के हुक्म से तो कफालत हम करेंगे, हम पा, अगर ये आम बीबी नहीं तो मैं पालूंगा। अब जनाबे अल्लाह ने कहा ऐ ज़करिया सबसे कहो अपने अपने कलम पानी में डाले, जो बहते हुए कलम जाएंगे, जिसका कलम आगे चला गया वो मरियम को पालेगा। जनाबे ज़करिया ने भी कलम डाल दिया, सबने कलम पानी में डाले, सबसे आगे जनाबे ज़करिया का कलम, सबने कहा अरे ज़करिया का कलम आगे चला गया, अल्लाह जब फैसला करता है तो मनवा के रहता है, उसने मरियम को पालने के लिए ज़करिया को भेजा। जनाबे मरियम कहा, मोहम्मद कहा, मरियम को पालने ज़करिया आए, मोहम्मद को पालने अबू ताले। है तवज्जो से जाने के राम है, मैं पूरा खून जिगर दे रहा, आराम आराम से पढ़ सकता था,
لیکن یقین مانیے کہ آپ حضرات کی محبتوں کی وجہ سے مجھے اپنی صحت کا خود اندازہ ہے لیکن میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. تو عزیز آنے کے نامی یہ جناب خاتون جنت کے بابا ہیں کہ کوئی ابو طالب اللہ بھیجے گا. تو اب یہاں جناب مریم کو پالنے کا مسئلہ مکمل کر رہا ہوں. تو اب جب جناب مریم آہستہ سے بڑی ہونے لگی, جناب زکریہ جانتے تھے کوئی قتل نہ کر دے, ہمیشہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے قتل ہی کا خطرہ رہتا. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں, ان کے ہمیشہ قتل کا خطرہ رہتا ہے. تو رسول خدا کے بھی جناب ابو طالب قتل سے ہمیشہ بچاتے تھے, بستر بدل دو, رات میں کوئی آ کے میرے بھتیجے کو مار نہ دے. لیکن انہیں بھی پتا تھا بستر رسالت پہ سونے کے لیے کوئی علی چاہیے. جانے گرامی اب اللہ بندوبست کرتا رہا. تو اب یہاں جناب مریم, تو جناب زکریہ ہمیشہ قفل لگا کے جاتے, تالا لگا کے جاتے, چلے جاتے, واپس آتے, قفل کھولتے. ایک دن جناب زکریہ تبلیغ کے لیے دور گئے, پورے رسے تڑپ رہے ہیں, چھوٹی سی بچی مریم, میں قفل لگا آیا ہوں, کسی نے کھانا نہیں دیا ہوگا, بچی دو دن گزر گئے ہیں, بھوکی نہ ہو, کیا حالت ہوگی میری مریم کی. تڑپتے ہوئے بوڑھے جناب زکریہ, بہت ضعیف العمر, 70 برس سے زیادہ تھے اس زمانے میں, بڑھاپا تھا, سفید ری سفید, پہنچے تڑپتے ہوئے, ہاتھوں سے تالا کھولا, زندہ بھی ہے یا نہیں. قرآن کی آیات ہے سورہ مریم, اٹھا کے دیکھی, جیسے ہی قفل کھولا اندر گئے, دیکھا وہاں تازہ پھل پڑے, تاجو ہو اگر مجمع, تازہ پھل. پھر دیکھنا شروع کیا تو بے موسمی پھل, ارے انار کا موسم نہیں انار کہاں سے, انگور کا موسم نہیں انگور کہاں سے. قرآن کہتا ہے جناب سورہ مریم 19 سورہ, جناب زکریہ نے پریشان ہو کے پوچھا, نبی تھے, عام آدمی نہیں تھے, نبی تھے, معصوم تھے, وحی آتی تھی جناب زکریہ پہ, وحی آتی تھی. قرآن کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے, کوئی حدیث بھی نہیں ہے, انا لک ہذا, مریم یہ کہاں سے, یہ سب کہاں سے آیا. جناب مریم نے سر اٹھا کے دیکھا کہ ہذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے. اگر مریم کے لیے قرآن بتائے دسترخوان آ سکتا ہے تو فخر مریم. فاطمہ تو زہرا کے لیے, بھائی آپ نے غور فرمایا, میں وقت نہیں رہا, یہ جناب مریم ہے. اب جب جناب مریم کو دیکھا نا, اب جناب زکریہ کے بھی دل میں ایک حسرت ہوئی ہے, کاش میری بھی ایسی اولاد ہوتی. پروردگار رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث, مجھے تنہا نہ چھوڑنا, مجھے بھی ایک وارث دے دے. پروردگارا اتنی پاکیزہ بیوی ہے, میرا بھی ایک بیٹا ہو. اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کر لی. ایک اور بات واضح ہوئی, یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ جو آیت پیش کرتا ہوں وہ قرآن میں ہوتی ہے, نتیجہ میری کوشش ہوتی ہے, توجہ ہو. تو اب اللہ نے قرآن میں پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے, نتیجہ سنیں گے. تو جناب زکریہ کی دعا قرآن میں ہے, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, تو بہترین وارث دینے والا ہے, مجھے تنہا نہ چھوڑنا, وارث دے دے. جناب زکریہ نے دعا کی, اللہ نے کہا انا نبشر کا, ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں ایک ایسے جوان بیٹے کی جسے ہم حکم نبوت بھی دیں گے, اور وہ ہے جناب یحییٰ. خذل یا یحییٰ خذل کتابا, بھائی وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں, مجھے اشارہ مل چکا کہ وقت تمام ہو چکا. اب یہ ساری آیات ایک اشارہ, جو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں, جناب زکریہ نے اللہ کی بھیجی ہوئی معصومہ کو پالا, دعا مانگی مجھے بھی ایسا بیٹا ملے. توجہ, کچھ پہنچ گئے میرے بزرگ. یہاں جناب زکریہ نے معصومہ کو پالا, بی بی کو پالا, عیسیٰ کی ماں کو پالا, تو دعا مانگی ایک بیٹا مجھے بھی دے دے, معصوم ہو, نبی ہو, پاک ہو. اب کسی نے محمد کو پالا, جیسے ہی رسول خدا آئے جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا ابو طالب مبارک ہو, آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں اتنا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے,
दुनिया में नहीं देखा, पाको पाकीज़ा आया है, तमाम आलाइशों से पाक है। तवज्जो हो जनाबे फातिमा बिन्ते सद्दीक का, ए अबू तालिब आपके मरहूम भाई अब्दुल्ला के यहाँ इतना खूबसूरत बेटा दुनिया में आया, आलाइशों से पाक, पाको पाकीज़ा। जनाबे अबू तालिब मुस्कुराए, कहे फातिमा बिन्ते असद, मैं आपको भी एक ऐसे ही बेटे की बशारत देता हूँ जिसमें ये सारी खूबियां होंगी, इल्ला नुबुव्वा, सिवाय नबुव्वत के। सलामत रखे मौला, आप सब लोगों को आबाद शाद रखे। अल्लाहुम्मा सल्ल मुहम्मद व आलिह। तवज्जो है जाने गिरामे, यहां जनाबे मरियम की अजमत है। कल मैं जारी रखूंगा, मेरा अब वक्त तमाम हुआ इंशाल्लाह। ये साल बड़ा सख्त साल गुजरा है, बीमारियों का, परेशानियों का, अम्बात का साल रहा, तो इसके अख्ताम पे हम जनाब सैयदा के सदक़े में मानते हैं। एक रिवायत पेश करूँगा सैयदुल उलमा से, वही मसाइब की रिवायत है। देखिए बहुत सी रिवायात होती हैं, बहुत से लोग कहते हैं भाई ये रिवायत ज़यीफ़ है, ये सही है। ये बड़े बड़े उलमा ने रिवायत नकल की है, मैं जानता हूँ, बहुत सर्दी है, मैं एहसास कर सकता हूँ, बहुत बहुत दूर से लोग आए हैं इस जम्मे गफ़ीर में पेश कर रहा हूँ। बहुत से बुज़ुर्गों के लिए इतनी देर बैठना भी मुश्किल होता है। जनाबे सैयदा ही का कोई ना कोई मैं पहलू पेश करूँगा मसाइब में। तो सैयदुल उलमा फरमाते हैं कि जिस दिन जनाबे सैयदुल शहदा की विलादत हुई, बीबी फौरन नमाज के लिए उठी, नमाज पढ़ी, बतूले अजरा है ना, और देखा मेरे बाबा जान तशरीफ ले आए, रसूल खुदा का आना देखा जनाबे सैयदा ने, फौरन मैं कुछ एहतमाम कर दूं, मेरे बाबा आए हैं, कुछ खाने के लिए एहतमाम कर रही हैं। बीबी मतबख में हैं बावर्ची खाने में, मेरे साथ रहिएगा, गला साथ नहीं दे रहा। तो जनाबे सैयदा अपने बाबा के लिए एहतमाम करने गई, इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आने के बाद का या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता है आपके नवासे की आमद पे, लेकिन अल्लाह ने भेजा है कि यही वो नवासा है जिसे मैदान करबला में भूखा प्यासा ज़िबह कर दिया जाएगा। जनाब ख़त्मे मर्तबत के आंसू जारी हुए, ज़ारो कतार रोने लगे, कहा जिब्राइल अल्लाह से पूछो मुझसे अल्लाह क्या चाहता है। तो अब इमाम हुसैन का इम्तिहान सिर्फ इमाम हुसैन का इम्तिहान नहीं है, पंजतन का इम्तिहान है। तो जनाब जिब्राइल ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहता है मेरे हबीब से कहो इजाज़त दें, इस इम्तिहान इस आजमाइश की इजाज़त दें। रसूल खुदा ज़ारो कतार रो रहे हैं, रोते रोते कहा परवरदिगारा मैं राज़ी हूँ, मैं इजाज़त देता हूँ, इतने बड़ा इम्तिहान आजमाइश। फौरन कहा जनाब जिब्राइल ने या रसूल अल्लाह, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अली से, फातिमा से और हसन से भी इजाज़त लीजिए। तब रसूल खुदा ने कहा या अली, यही आपका बेटा मैदान करबला में भूखा प्यासा ज़िबह कर दिया जाएगा, इसके अंसारों आवान को मारा जाएगा, बेटों को मारा जाएगा। जनाब अमीर की आंखों में आंसू, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुझसे क्या चाहता, कहा आपकी इजाज़त चाहिए, सबका इम्तिहान है। जनाब अमीर रोए, कहा या रसूल अल्लाह ठीक है। का हसन मुश्तबा, इमाम हसन मुश्तबा को रसूल खुदा ने बुलाया, मेरे लाल ज़रा आइए, अब यहाँ कोई सवाल करे इतने कम से नहीं, इमाम हसन सिर्फ एक बरस के, उनसे भी पूछा जा रहा है, हाँ क्योंकि मासूम है, मेरे लाल हसन आपका ये भाई हुसैन करबला में मारा जाएगा, बड़े बेदर्दी से इन्हें शहीद किया जाएगा, भूखा प्यासा होगा, पहले बेटों को मारा जाएगा। बस भाई इमाम हसन रोने लगे, कहा मुझसे क्या चाहिए, बस भाई एक मरतबा जब इजाज़त मिली ना
اب جناب رسول خدا نے کہا یا علی فاطمہ کو آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ دونوں رونے لگے. کہا یا علی فاطمہ کو آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ تو جناب امیر نے ایک مرتبہ کچھ سوچا, پھر کہا یا رسول اللہ بتائیے آپ, سنبھالوں گا میں, کیونکہ مولا جانتے ہیں سیدہ کو سنبھالنا پڑے گا, ماں سے بیٹے کی شہادت برداشت نہیں ہوگی. ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے کہا میری لخت جگر فاطمہ ذرا تشریف لائیے. جناب خاتون نے جنت آئیں کہا بابا جان اتنا زاروں کا تار گریا میرے بیٹے کے آنے پہ. کہا بیٹی آپ کا یہی بیٹا مدینہ سے کربلا جائے گا, کربلا میں اسے بھوکا پیاسا, میں نے خلاصہ کر کے سنایا ہے, بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا. جناب سیدہ رونے لگی. کہا بابا آپ کے ہوتے ہوئے؟ کہا بیٹی میں نہیں ہوں گا. کہا بابا علی مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے میرا بیٹا مارا جائے گا؟ اب یہ جناب سیدہ شیعوں کو پیغام دے رہی. کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. کہا بابا حسن کے ہوتے ہوئے؟ کہا حسن بھی نہیں ہوں گے. کہا بابا میں بیٹے کے ساتھ جاؤں گی, میں بتاؤں گی یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے. کہ سیدہ آپ بھی نہیں ہوں گے. بس بی بی آئیں ساتھ میں. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے رو کے کہا بابا جان مجھ سے کیا چاہیے؟ کبھی بیٹی آپ کی اجازت. علماء کہتے ہیں بی بی بے ہوش ہو کے بعد میں گری, پہلے کہا اجازت ہے. اجرکم اللہ, پنجتن کی آزمائش ہے کربلا, پنجتن کی سب کی آزمائش ہے. آخری جملہ پیش کر رہا ہوں, آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. جب مولا حسین 28 رجب کو جا رہے تھے نا کربلا, تو پہلے نانا کے روضے پہ آئے. کہا نانا میں کربلا جا رہا ہوں. تو مرحوم ملبوبی کہتے ہیں الوقائع والحوادث میں کہ امام حسین اتنا روئے, روتے روتے قبر مطہر پہ گر گئے. کہا نانا میں جا رہا ہوں, بے ہوش ہو گئے. خود ہی فرماتے ہیں میں نے عالم غش میں دیکھا میرے نانا قبر مطہر سے اٹھے, مجھے سینے سے لگایا, پیار کیا. کہا میرے لال میں آپ کے ساتھ کربلا آؤں گا. کہا نانا آپ کی امت مجھے آپ کی قبر سے جدا کر رہی ہے. ایک سوال کیا. کہا نانا اللہ کی مشیت کیا ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا, مشیت تو یہی ہے کہ آپ شہادت دیں. مولا نے دوسرا سوال روک کے کیا, نانا میری بہنوں کے متعلق کیا مشیت ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, مشیت تو یہی ہے انہیں قیدی بنایا جائے گا. مولا تڑپنے لگے. کہا نانا میں سب کچھ قربان کر دوں لیکن میری بہنوں کا پردہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بس بھئی دو جملے دعا کے, ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارا واسطہ اس ماں کا, جمعہ کا دن گزرا ہے, امام زمانہ کا دن ہے, امام زمانہ کو دو باتوں کا بہت صدمہ ہے. ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا, اور دوسرے اپنی پھوپھی کے بازار میں جانے کا. پروردگارا واسطہ ان بیبیوں کی عظمتوں کا, ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو غارت فرما, آل سعود کو غارت فرما. پروردگارا جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما, تمام ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. ہاتھوں کا بلند کیجیے گا. ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں, اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا. میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں. جب آنکھ میں آنسو ہو نا تو دعا رد نہیں ہوتی. آج ذرا مل کے ایک ایسا واسطہ پیش کریں جو ہر حالت میں قبول ہے. پروردگارا تجھے واسطہ اس ماں کا جو مدینے سے کربلا
अपने बेटे के साथ गई, फिर करबला में रुकी नहीं। बीबी आपके बेटे का लाशा करबला में मदफन है, तो आप करबला से शाम क्यों गए? तो मेरा दिल कहता है, बीबी कहेंगी मेरी बेटियां बाजारों में दरबारों में। परवरदिगारा उस बीबी की अजमतों का वास्ता हम सब की आकबत बखैर फरमा, हम सबको ज़िंदगी में बार बार अहले बैत की खुसूसन जनाब सैयदा की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक मुहम्मदिन वालिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन।